हेलो दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश साहनी और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रायोगिक ज्ञान में। हम एक वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं फॉर लर्निंग कंप्लीट CSS। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा टेक्स्ट एंड फॉन्ट से रिलेटेड कुछ CSS। इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं एंकर की जो स्टूडियो क्लासेस हैं वो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने एक छोटी सी फाइल बनाई है link.html, जहाँ पर हमें लिंक्स दिखानी है। तो हम एक लिंक बना लेते हैं टेस्ट। आप हैश लिखोगे, हैश टेस्ट लिंक। ओके, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ टेस्ट लिंक। इसी तरह से हम और दो लिंक बना लेंगे, एक फॉर दिस बेसिक डॉट एच टी एम एल और टेक्स्ट फॉन्ट डॉट एच टी एम एल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिक डॉट एच टी एम एल और दूसरी है हमारी टेक्स्ट फॉन्ट्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो जब आप इस वेब पेज को रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे आपको तीन लिंक दिख रही हैं और आप देख सकते हो कि ये अभी तक क्लिक नहीं हुई, इसलिए इसका कलर ऐसा है। और जो विजिटेड हो चुकी हैं, जिसको हम क्लिक कर चुके हैं, उसका कलर ऐसा है। तो जैसे कि आप इस पर क्लिक कर देते हो तो इसका कलर भी चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो, जैसे कि डिफ़ॉल्ट कलर और ये अंडरलाइन अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, ए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, उसके बाद जो लिंक्स रहेंगी, जो भी हमारी लिंक हैं, तो आप ऐसे लिखो ए कोलन लिंक, और ध्यान रखें कि आप यहाँ पे स्पेस नहीं दोगे, ए कोलन देन लिंक। ये स्टूडियो क्लास है और यहाँ पे आप बताना, अगर इसका कलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑरेंज होना चाहिए, ऐसा आप चाहते हो। ठीक है, जैसे आप इस वेब पेज को रिफ़्रेश करोगे तो अभी ये लिंक क्लिक हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है। अगर आप मान लो इसको वन कर देते हो, यहाँ पे कुछ आपने चेंज किया, तो ये लिंक अभी तक विजिट नहीं हुई है। तो आप देख सकते हो इसका कलर डिफ़ॉल्ट ऑरेंज है। ठीक है, उसके बाद जितनी भी लिंक्स विजिट हो चुकी हैं उसको आपको हैंडल करना है, विजिटेड उसे हमें करना है कलर ब्लू। ओके, तो जो लिंक्स विजिट हो चुकी हैं वो ब्लू में होनी चाहिए। तो ये देख सकते हो आप, इन सब का कलर चेंज हो गया क्योंकि सब सारी लिंक्स विजिट हो चुकी हैं। उसके बाद जो जब भी हम उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, उस केस में हम चाहते हैं कि उसका जो कलर है वो कुछ और हो, जिससे हमें पता चले कि हाँ ये जो लिंक है इस पर हम ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं, जैसे कि रेड कर दिया मान लीजिए हमने इसको, और रिफ़्रेश किया। तो जैसे ही आप माउस इसके ऊपर लेके जाओगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है। एक और स्टूडियो क्लास होता है एक्टिव। एक्टिव यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करोगे तो आप चाहते हो उसका कलर कुछ चेंज हो। कलर मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं सियान। ठीक है, ये पेज को रिफ्रेश करिए, माउस ओवर किया, रेड क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ इसका कलर चेंज हो रहा है और ये सियान हो रहा है। ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया सियान। तो इस तरह से आप इसका जो एंकर टैग का जो प्रॉपर्टीज़ है या फिर जो स्यूडो क्लासेस हैं वो इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसको कुछ ग्लोबल, अगर सारे एंकर्स को अगर कुछ ग्लोबल सेटिंग देनी है तो आप इस तरह से दे सकते हो, कुछ CSS लगानी है तो दे सकते हो, कर सकते हो। अगर आपको स्यूडो क्लासेस यूज़ करनी है तो लिंक जो भी रहेंगी बाय डिफ़ॉल्ट जो विजिटेड नहीं है, उसका अगर आप कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ लगाना चाहते हो CSS की, तो इस तरह से लगा सकते हो। अगर लिंक विजिटेड हैं उस केस में आप कुछ CSS लगानी चाहते हो तो इस तरह से लगा सकते हो, होवर एंड एक्टिव। तो ये चार इंपॉर्टेंट शूडो क्लासेस हैं एंकर के लिए, जिसको इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग।